पहली शुरुआत करते हैं हम जी मुद्दों पर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये दो ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासूर बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पाएगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी, पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात वंदे मुंह गिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी। महंगाई आसमान को छू रही थी और कुल मिलाकर बजट के 16 के 16 पैरामीटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है, FII के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है। PLI स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर्ड कर रहे हैं, हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर्ड कर रही हैं, ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायनियर बन चुका है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग थोड़े लेट है, मगर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्ष का क्षेत्र, लेट होने के बावजूद मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी, इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फाउंडेशन डाल चुका है और ये फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है। तो इकोनॉमी भी सुधरी है, सुरक्षित भी हुआ है, देश 11वें नंबर का अर्थतंत्र था, 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। गांव हो या शहर, जंगल हो या रेगिस्तान, सागर किनारा हो या शहर हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजट में आम बात बन चुका है। GST कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने सारे रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते जा रहे हैं। देश के अंदर सीमाओं को चौक चौबंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जनता में भारत का भविष्य उज्जवल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण
करने की नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है जी। आज पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। हायर एजुकेशन हो, नई इकोनॉमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मभूमि, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, यूसीसी हो, या देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर ये 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले 10 साल। जनता भी ये फील कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व।